नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 vs Tecno S Park 7 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M3 में 6.39 इंच जबकि S Park 7 Pro में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M3 में 3.04 इंच जबकि S Park 7 Pro में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco M3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco M3 में 0.38 इंच जबकि S Park 7 Pro में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Poco M3 में 19:5:9 जबकि S Park 7 Pro में 20:9 देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M3 में 6.53 इंचेस जबकि S Park 7 Pro में 6.6 इंचेस की साइज देखने को मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M3 में 1080x2340 और S Park 7 Pro में 720x1600 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M3 में 83.25% जबकि S Park 7 Pro में 83.7% देखने को मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M3 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि S Park 7 Pro में 266 पिक्सेल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और S Park 7 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco M3 में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और S Park 7 Pro की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco M3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और S Park 7 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M3 में Adreno 610 जबकि S Park 7 Pro में Mali G52 MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M3 में Qualcomm Snapdragon 662 और S Park 7 Pro में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M3 में 6GB जबकि S Park 7 Pro में 4GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M3 में 128GB जबकि S Park 7 Pro में 64GB देखने को मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco M3 में Android V10 Qt जबकि S Park 7 Pro में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco M3 में 6000 mAh जबकि S Park 7 Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Poco M3 में 3 कलर्स जबकि S Park 7 Pro में 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco M3 की 11,999 रुपीस जबकि S Park 7 Pro की 10,999 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है,
परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। इंटरनल मेमोरी में पोको M3 आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco Pro है, जो कि 12,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco 128 GB है, जो कि 11,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi Note 10,128 GB है, जो कि 14,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें Oppo A15s 128 GB है, जो कि 12,489 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।